प्रिय बच्चों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आप लोग बीए द्वितीय वर्ष में आ चुके हैं और सेमेस्टर थर्ड में अब आपको दो पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पहला है BAA 211, जिसमें आप प्राचीन भारतीय धर्म के अंतर्गत वैदिक और जो पौराणिक धर्म है, जिसमें आपको वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य धर्म इत्यादि को पढ़ना है, और दूसरा पेपर है BAA 212, यानी 212, उसमें आपको बौद्ध, जैन जैसे श्रवण परंपराओं से संबंधित, यानी नास्तिक संप्रदायों, यानी भारत के नास्तिक संप्रदायों के बारे में पढ़ना होगा। तो हम उसके आज पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो पहला पेपर है एंशिएंट इंडियन रिलीजन्स, वैदिक एंड पुराणिक रिलीजन, और इसका पेपर कोड तो अभी बताए, BAA 211। तो यूनिट फर्स्ट में अगर देखा जाए तो पहला चीज है इंट्रोडक्शन। बच्चों, इसमें आपको पहले जो क्वेश्चन पूछता है वो यही है कि धर्म की परिभाषा देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ धर्म, और दूसरा एंटीक्विटी ऑफ रिलीजन, प्रिमिटिव रिलीजन्स एंड बिलीफ्स, इंडस रिलीजन्स। तो जो प्रारंभिक जो धर्म थे उनकी क्या मान्यताएं थी, क्या विश्वास थे, विशेषकर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के आधार पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें वैदिक रिलीजन, अर्ली वैदिक रिलीजन, ओरिजिन, नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो इसमें आपको पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में लिखना होगा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उस धर्म की, उसकी प्रकृति क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मतलब देवताओं का, जो बहुदेववादी संस्कृति थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, रित की अवधारणा क्या है, ये सारी बातें आपको इसमें पढ़ना होगा। और उसी यूनिट सेकंड में दूसरा पॉइंट है लेटर वैदिक रिलीजन। अब इसमें देवता कौन है, प्रमुख देवता कौन हो गए, तो जहाँ उस तरफ वरुण थे, इंद्र थे प्रमुख देवता, अग्नि प्रमुख देवता है, सूर्य प्रमुख देवता, लेकिन यहाँ पर लेटर वैदिक रिलीजन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये प्रमुख देवता हो जाते हैं। तो सेक्रीफाइसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रह्म एंड आत्मा, तो ब्रह्म और आत्मा का क्या सिद्धांत है, तो इस काल के प्रमुख देवता प्रजापति हो जाते हैं। यूनिट थर्ड में आपको टीचिंग ऑफ द भगवद गीता के बारे में पढ़ना है, जिसका वीडियो भी बना हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो पहले श्रीमद् भागवत गीता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज रखिएगा भूमिका के रूप में, फिर आप बताइएगा कि योग किसे कहते हैं, देन उसके बाद आप लोग ज्ञान योग या भक्ति योग या कर्म योग, जिससे क्वेश्चन पूछे, कभी कभी कर्म योग और भक्ति योग को साथ पूछ देता है, कभी ज्ञान योग को अलग पूछ देगा, कभी भक्ति योग को अलग पूछ देगा, तो उसको आप समझिएगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे। यूनिट फोर की बात करें तो उसमें पौराणिक रिलीजन में, यानी पौराणिक रिलीजन यानी पौराणिक धर्मों के अंतर्गत अवतारवाद से आप क्या समझते हैं, और दूसरा जो है पंचदेव उपासना के बारे में आप क्या जानते हैं, और उसी का अगला पॉइंट है तीर्थ। अब इस तीर्थ में आमतौर पर या तो काशी का महत्व पूछता है, या तो प्रयागराज का महत्व पूछेगा, या तो गया तीर्थ के बारे में पूछेगा। इसके अलावा व्रत किसे कहते हैं, व्रत के प्रकारों का वर्णन करिए, दान किसे कहते हैं, दान का क्या महत्व है, और यूनिट फाइव में कल्ट वर्शिप, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको पढ़ना है वैष्णवीज, मतलब वैष्णव धर्म के बारे में, शैव धर्म और उसके प्रकारों, जो भी संप्रदाय हैं, शाक्त धर्म यानी
शक्ति की जो पूजा हो रही है, सौर धर्म और गाढ़पत्य धर्म, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, इसका एक एक करके वीडियो जो है मैं करीब 10 नवंबर के बाद से रिलीज कर दूंगा और आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हो। तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में सारी बातें वहाँ दिखाई पड़ेंगी। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें रिकमेंडेड हैं, तो V.S. अग्रवाल की प्राचीन भारतीय लोक धर्म, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। मोतीलाल बनारसीदास, ये आपके वाराणसी में भी प्रकाशन है मोतीचंद के नाम से, तो वहाँ से आप ले सकते हो। J.N. बनर्जी का डेवलपमेंट ऑफ द हिंदू आइकोनोग्राफी, A. Barth का द रिलीजन ऑफ इंडिया, मेरे टेलीग्राम पे भी कुछ पुस्तकें हैं डॉक्टर अमित दुबे विदाउट स्पेस दे करके, आप लोग एक साथ लिख करके सर्च करेंगे तो इंडियन कल्चर नामक आपका पेपर दिखाई पड़ जाएगा। इसके अलावा S.K. बवरकारा का और R.D. रानाडे का हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, R.G. भंडारकर का वैष्णविज्म सैविज्म और एंड माइनर रिलीजन सिस्टम, ये हिंदी में है, तो V.S. अग्रवाल या R.G. भंडारकर, ये दो पुस्तक भी आप ले लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और भी कोई अगर महत्वपूर्ण है तो उसमें अगर मैं कहूँ तो A.B. Keith का द रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ वेद एंड उपनिषद, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप जो है हिंदी में उपलब्ध है। और R.C. मजुमदार का द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल जो Volume 1 है, उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। V.S. पाठक का साइव कल्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, एक V.S. पाठक का स्मार्ट रिलीजन ट्रेडिशन से, मतलब ये भी अच्छा है पुस्तक। और देवी प्रकाश त्रिपाठी का ब्राह्मण धर्म के पुरातात्विक आधार, ये भी पुस्तक है जिसको आप देख सकते हैं। बलदेव उपाध्याय का भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य और संस्कृति, ये भी रिकमेंडेड बुक में के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर में बच्चों आप BAA 212 यानी एंशियंट इंडियन रिलीजन्स श्रमणिक एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अब इसमें आपको श्रमण परंपरा के अंतर्गत जो नास्तिक धर्म आते हैं, जो ईश्वरीय सत्ता पर यकीन नहीं रखते हैं, तो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी उनकी फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो उनका विकास है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। तो Unit 1 में एन इंट्रोडक्शन टू श्रमण ट्रेडिशन, यानी आप श्रमण परंपरा का से परिचय कराइए। एंटिक्विटी ऑफ द श्रमण ट्रेडिशन, श्रमण परंपरा की प्राचीनता बताइए। रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द 6th century BC की 6th शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब क्या धार्मिक दशाएं थीं या धार्मिक क्रांति के क्या कारण थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला यूनिट सेकंड है जैनिज्म, जिसमें लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द पार्श्वनाथ एंड महावीर, तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, पार्श्वनाथ के जीवन का परिचय देते हुए उनके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करिए, या कभी कभी पूछ देगा कि महावीर से के जीवन परिचय को देते हुए उनके प्रमुख सिद्धांतों या जो दर्शन है उस पर एक लेख लिखें। अब क्या है, डिवीजन ऑफ द जैन चर्च इंटू श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट, तो ये जो श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में क्या अंतर है, इससे क्वेश्चन बनता है। स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म इन गुजरात डेक्कन एंड साउथ इंडिया, और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि जैन धर्म का पश्चिम भारत में प्रचार या जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार, प्रचार प्रसार के इतिहास पर प्रकाश डालें।
इसका भी वीडियो नोट्स एकदम लेक्चर के रूप में बना है, तो आप उसको ऑडियो नोट्स के रूप में सुन सकते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त जीव अजीव का सिद्धांत कभी कभी पूछ देता है, अनेकांतवाद या स्यादवाद से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूनिट थर्ड में जैन डॉक्ट्राइंस यानी जो जैन उपदेश हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीव और अजीव, तो जीव और अजीव के सिद्धांत पर पूछेगा, बॉन्डेज एंड लाइबरेशन या लिबरेशन जो भी लिखा है, तो बंधन और मोक्ष की जो अवधारणा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, और अनेकांतवाद और स्यादवाद से संबंधित क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि अनेकांतवाद से आप क्या समझते हैं, उसके जैन धर्म के स्यादवादी संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या जैन दर्शन के मोक्ष के सिद्धांत के बारे में विस्तारपूर्वक समझाइए, या जैन धर्म के सात तत्वों के बारे में जो तत्व मीमांसा है उसके बारे में पूछ सकता है। यूनिट फोर की बात करें तो लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा यानी गौतम बुद्ध का उपदेश और उनकी जीवन के बारे में, और उसमें विशेष रूप से फोर नोबल ट्रूथ जो उनके चार आर्य सत्य हैं, प्रतिसमुत्पाद जो कि कारणतावाद से संबंधित है, और कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण और निर्वाण का जो कॉन्सेप्ट है उसके संबंध में बताइए आप। तो मुख्य रूप से यही चार आर्य सत्य उनकी शिक्षाओं में है, और प्रतिसमुत्पाद और निर्वाण को लेकर के अष्टांगिक मार्ग को लेकर के आपको अपनी बात रखनी है। अब बात करते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, तो बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में पूछेगा, तो पहले तो बौद्धिस्ट काउंसिल जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हुआ था, एक तो अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में हुआ था, और ये कैसे इसमें विभाजन आ रहे हैं, क्या कैसे पिटकों का निर्माण हो रहा है, तो सारी चीज़ें वीडियो में बना हुआ है, मैं आप लास्ट में आपको दिखा दूंगा। अगला है हीनयान महायान सेक्ट्स, तो हीनयान महायान संप्रदाय में क्या अंतर है, इससे क्वेश्चन बनेगा। स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया, बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार प्रसार गुप्त काल तक विशेष रूप से पूछता है, और डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो इसमें प्रमुख किताबें हैं द 25 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म, ये भी बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष जो है हिंदी में है, हीरालाल जैन की भारतीय संस्कृति में जैन धर्म की योगदान, ये भी हिंदी में पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है वन लाइनर, तो इसको पढ़ लीजिएगा। जे एल जैनी का द आउटलाइन ऑफ जैनिज्म, और ज्योति प्रसाद जैन का है रिलीजन कल्चर ऑफ जैन्स, और आर सी मजुमदार और ए डी पुसालकर का द हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, मोहनलाल मेहता का जैन धर्म और दर्शन, और नरेंद्र देव का बौद्ध धर्म दर्शन, ये काफ़ी हैं आपके लिए पढ़ने के लिए। और भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे जी सी पांडे का गोविंद चंद्र पांडे की पुस्तक है श्रमण ट्रेडिशन, और जी सी पांडे का ही है द स्टडीज़ इन द स्क्रीन ऑफ बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पुस्तक है जी सी पांडे का, गोविंद चंद्र पांडे का, तो इसको भी आप रट लीजिएगा, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास। और बलदेव उपाध्याय की भी पुस्तक है जैसे उसमें भारतीय धर्म दर्शन, तो इसको आप लोग या तो कुछ किताबें खरीद लें या फिर अपनी देख लें। अब बात करते हैं कि सर कैसे क्या करें, कहाँ से मटेरियल बनाएं, तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, आप लोग सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, तो इसमें बी एच यू के लोगों का फ़ोटो लगाया हूँ क्योंकि मैं भी इसी में हूँ, ये मेरी ही फ़ोटो थी, आप देखे होंगे नीचे बैठे हुए हूँ। तो इसमें आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए वो ऊपर लिखा है होम वीडियोज प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट को क्लिक जैसे करोगे तो वैसे ही आपको पहला तो है AISC वैदिक एंड ब्राह्मण धर्म,
तो इसमें अभी हमने केवल तीन चीज़ डाला है, भक्ति, कर्मयोग और ज्ञान योग। तो यहाँ से पहले पेपर का कुछ मैटर मिल जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर सारे मैटर आते जाएंगे। अब अगर हम बात करें अन्य के बारे में, तो बौद्ध जैन धर्म का जो मटेरियल है, आप नीचे जाएंगे सर्च करते हुए बच्चों, तो यहाँ पर जैन धर्म का मिलेगा, जिसमें 10 वीडियो है। अब इस वीडियो में आप देखोगे श्रवण परंपरा, प्राचीन भारत में श्रवण परंपरा, छठी सती ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के कारण, अनेकांतवाद स्यादवाद की अवधारणा, जैन धर्म जीव जीव का सिद्धांत, जैन संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर, पार्श्वनाथ का जीवन परिचय, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी, जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार और जैन धर्म के सिद्धांत, ये हमने ये पूरे पॉइंट बनाए हुए हैं, जिसको आप एक के बाद आप लेक्चर सुन सकते हो बच्चों। और अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो उसमें भी 10 वीडियो मेरे बने हुए हैं, जिसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में, फिर महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बनाया हुआ है। बौद्ध धर्म का कैसे पतन हुआ, बौद्ध संगीति कैसे है, तो उसको पूरा एक ऑडियो लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा। प्रतिसमुत्पाद यानी कारणतावाद क्या है, बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान के विषय में, बौद्ध धर्म का विकास गुप्तकाल तक, जैसा क्वेश्चन बनता है वैसे ही मैंने बनाया है, निर्वाण की अवधारणा क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, संगीति और संप्रदाय, ये एक ऐसा है जिससे आप लोग एक निचोड़ प्राप्त कर लेंगे एक ही वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। रिलीजियस रिवोल्यूशन एंड द काजेज इन 6th century BC, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या है धार्मिक पुनर्जागरण, तो वो जो चीज़ वहाँ मिला है, एक चीज़ यहाँ पर भी है, तो दोनों में वो वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा बच्चों। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, आपका सिलेबस डिस्कशन मैंने किया, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आशीर्वाद।